powered by Zepe. सुनील जी, बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि जो करेंसी, और हम कई बार मनी को ही करेंसी बोल देते हैं और करेंसी को मनी समझ लेते हैं, क्या दोनों में अंतर होता है? दोनों वर्ड्स के अंदर अंतर है, मनी में और करेंसी में, या दोनों एक ही चीज है? देखिए, मैं डॉलर को करेंसी कहता हूँ, रुपी को करेंसी कहता हूँ, पाउंड को करेंसी कहता हूँ, यूरो को करेंसी कहता हूँ, बट ये सारी करेंसीज मनी की फॉर्म्स हैं, एक्चुअल मनी नहीं है, आप ये कह रहे हैं। सी देखिए, मनी क्या होती है, ये एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट सवाल है, क्योंकि आप फिर वापस उसी सवाल वही शुरुआत पर जाइए कि बहुत गहरे में जब कुम्हार और लोहार को आपस में अरेंज एक्सचेंज करना है तो दोनों के बीच में एक रिश्ता है, आई ओ यू, कि मुझे तुम्हें ये देना है। तो उस लेन देन की जो एंट्री है, उस क्रेडिट की एंट्री को उन्होंने मनी की फॉर्म दे दी, जो शुरुआत हुई एक बही खाते में एंट्री से, और वही एंट्री बाद में मनी की फॉर्म ले ली। उसी ने कॉपर का सिक्का बना, उसी से चांदी का सिक्का बना, उसी से सोने का सिक्का बना, और बहुत सारे फॉर्म्स पैदा हुए। सो द इश्यू हियर इज कि मनी एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, उसको रूपायन, उसका ट्रांसफॉर्मेशन जो है, या मैनिफेस्टेशन जो है, वो करेंसी की फॉर्म में होता है। ओके, तो सो अगेन मेरा क्वेश्चन अभी भी वैलिड है कि दोनों एक ही चीज है, मतलब करेंसी और मनी, अलग अलग चीजें? मैं ये कहूंगा कि अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं आपसे एक क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं, मेरा जो इंटरेस्ट है ये जानने में, कि जो करेंसी है, जो एक पेपर करेंसी, एक कोई भी किसी भी फॉर्म की, चाहे जिम्बाब्वे, वेनेजुएला, इंडियन, ये एक करेंसी है जिसको मैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज कर सकता हूँ, जो फंजेबल है, जिसको मैं छोटे छोटे 1 सेंट, 2 सेंट, 12 सेंट पे भी कर सकता हूँ, जो प्रॉपर्टीज हैं। और अगर मैं देखूँ तो यही सारी जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह मैं गोल्ड को, सिल्वर को भी यूज कर सकता हूँ, राइट, और वो भी इस तरीके से यूज हो सकती है। द ओनली डिफरेंस आई फील के करेंसी में और मनी में, करेक्ट मी इफ आई एम गोइंग रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है कि मनी grows with time, so money is a store of value, currency depreciates with time, so suppose today if I have $100 and after 5 years the value of $100 gets depreciated, right, with the time, agar aaj 1914 mein agar mere paas $100 hote to aaj wo $100 depreciate 90% se bhi zyada depreciate ho chuka hai, jo original $100 1914 ka tha, aur wahi gold agar 1914 mein agar liya hota to wo gold अप्रिशिएट हो रहा है। तो क्या अगर कहीं ऐसा लगता है कि मनी और करेंसी के बीच में जो स्टोर ऑफ वैल्यू के विद टाइम जो ग्रो करना चाहिए था, क्या वो मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है आपके हिसाब से? देखिए, फैक्ट ऑफ मैटर ये है कि इंसान जब से उसने सभ्यता बनाई है तब से उसको मनी की जरूरत हमेशा रही है और रहेगी, जब तक सभ्यता है मनी की जरूरत रहेगी। पर प्रॉब्लम ये है कि जो इंसानी हालात हैं वो बदलते रहते हैं, और उन हालातों के मुताबिक कौन सा मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो कम्युनिटी के अंदर इजिली फ्लो कर सकता है। करेंसी के डेफिनेशन बेसिकली करंट से आई है, करंट माने फ्लो। जब मनी का फ्लो जिस चीज के जरिए होता है उसको हम करेंसी कहते हैं। अब सवाल ये है कि अगर मान लीजिए करेंसी का एक करेंसी आई, जैसे मान लीजिए आजकल हम बहुत सारे लोग पेपर करेंसी यूज नहीं करते हैं, हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के अंदर करेंसी का बिल्कुल ही डिफरेंट रूप हो जाता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है, और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कल को क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करेंगे, तो मनी एक ऐसी जरूरत है जो हमेशा रहेगी, पर उस जरूरत को पूरा करने के लिए आप करेंसीज बनाते रहेंगे समय समय के मुताबिक। जैसे
आज की तारीख में अगर मैं आपको बताऊं कि 1948 के अंदर हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले में महंगा था, एक रुपए का 1.2 डॉलर मिला करता था। इसका मतलब यह है कि करेंसीज की वैल्यू चेंज होती रहती है, और ना केवल वैल्यू चेंज होती रहती बल्कि करेंसीज की फॉर्म भी बदलती रहती है, और समाज की परिस्थितियों के मुताबिक चीजें जैसे जैसे बदलते रहती हैं करेंसीज के नए नए अवतार बनते रहते हैं। बट द फैक्ट हियर इज कि इंसान को मनी इसलिए जरूरी है कि इंसान मनी के जरिए तीन फंक्शंस पूरे करता है। पहला फंक्शन है यूनिट ऑफ अकाउंट, लेखा जोखा रखने के लिए एक मीट्रिक चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। दूसरा, उसको एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज चाहिए, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज वो कोई भी बना सकता है, उसके रूप बदल सकते हैं। और तीसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी के ये बेसिकली तीन स्टैंडर्ड फंक्शंस है जो पूरे करने के लिए इंसान अलग अलग करेंसीज का आविष्कार करते रहते हैं, करता रहता है। लेकिन सिर्फ इतना यहाँ डिफरेंस है, अगर हम देखें कि स्टोर ऑफ वैल्यू जरूरत है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि वो होनी चाहिए कैरेक्टरिस्टिक, वो फीचर, लेकिन वो करेंसी के अंदर वो फीचर आ ही नहीं पाता, बिकॉज वो जो वैल्यू है वो विद टाइम, आज अगर काशिफ 30 साल की उम्र में 10,000 रुपए महीना कमा रहे हैं जब वो स्वस्थ है, तो आइडियली जब वो 50 साल का होगा तो वो चाहता था कि जो उसने 30 साल के टाइम में जब अपने प्राइम प्रोडक्टिविटी थी, जब उसकी देश के लिए जब उसने वो 10,000 रुपए कमाए, तो 50 साल की उम्र में उस 10,000 की वैल्यू आइडियली 50,000 60,000 उतनी ही रहनी चाहिए। मतलब जितनी चीज वो 10,000 से 30 साल की उम्र में खरीद सकता था वो उतनी चीजें खरीद पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, वो विद टाइम डेप्रिशिएट हो जाती है। तो वो करेंसी क्लेम तो करती है कि मैं स्टोर ऑफ वैल्यू हूं, कि मेरे अंदर आप स्टोर करके रखो, लेकिन वो सरकार भी जानती है, इसीलिए वो कहती है कि बैंक के अंदर रखो, मैं आपको इंटरेस्ट दूंगी। वो इंटरेस्ट इसीलिए दे रही होती है ताकि आप इन्फ्लेशन को मैच कर पाओ। तो मुझे लगता है कि वो सरकार की एक अटेम्प्ट रहती जरूर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो अटेम्प्ट फेल हो जाती है, बिकॉज विद टाइम वी हैव सीन दैट करेंसी डज गेट डेप्रिशिएटेड एंड द मेटल्स हैव मेंटेन्ड देयर वैल्यू समवेयर। या इसमें कोई शक नहीं है कि अगर एक करेंसी की वैल्यू डाउन जाएगी तो एक समय के बाद लोग उस करेंसी का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, नो डाउट अबाउट दैट। जैसे वेनेजुएला में ऐसा होता रहा है और होता रहेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक करेंसी डाउन चली गई है तो लोग मनी का इस्तेमाल करना छोड़ देंगे। मनी का इस्तेमाल करने के लिए लोग एक नया करेंसी सिस्टम बिल्ड कर लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मनी एक सोशल इंटरेक्शन का हिस्सा है। तो अगर एक करेंसी से वो सोशल इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो लोग दूसरी करेंसी से वो सोशल इंटरेक्शन हासिल करने की कोशिश करेंगे। सो दैट मींस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन करेंसी एंड मनी। या